अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल एफास एजुकेशनल स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग। फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन बटन। थैंक यू। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश ब्रिज कोर्स 7th स्टैंडर्ड एक्टिविटी नंबर 35। लर्निंग आउटकम ऑफ दिस एक्टिविटी, आज हमें इस एक्टिविटी से क्या सीखना है? सिंपल इनफॉर्मल लेटर्स और मैसेजेस लिखना। प्यारे बच्चों, आपके लिए इंस्ट्रक्शंस है। शशुम जमात में एक लेटर है जो पेज नंबर 20 पर है, लेटर फ्रॉम हिंगोली। उसको आपको रीड करना है और ऑब्जर्व करके नए वर्ड्स को अंडरलाइन करना। पार्ट्स ऑफ लेटर लिखना। इनफॉर्मल लेटर किस मौके पर लिखा गया इसको गेस करना। नाउ लेट्स कम टू द लर्निंग एक्टिविटी। देर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर। लेटर की दो किस्में होती है, एक फॉर्मल लेटर और दूसरा इनफॉर्मल लेटर। फर्स्ट वन, फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर का इस्तेमाल ऑफिशियल पर्पस के लिए हम लोग करते हैं, जैसे हमें कलेक्टर को लिखना होता है या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को लिखना होता है या मेडिकल ऑफिसर को। ऐसे वक्त में हम फॉर्मल लेटर का इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड वन, इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर का इस्तेमाल पर्सनल पर्पस के लिए होता है, जब हम पर्सनली हमारे फैमिली मेंबर या फ्रेंड को लेटर लिखते हैं, तो ऐसे वक्त में हम इनफॉर्मल लेटर का इस्तेमाल करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू रीड एन इनफॉर्मल लेटर, अ लेटर फ्रॉम हिंगोली। प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली एंड अंडरस्टैंड। This letter is written from the Hingoli on 9th June 2015. My dear Sanju Mama, I have reached Hingoli. How wonderful were the days was spent at Sagroli? Unforgettable moments. This summer vacation has added so many colorful memories to my life, Sanju Mama. I really miss Sagroli. At Sagroli, I enjoyed swimming in the Manjara River, playing with Tejas and Odhut on its banks, and going on long walks through the Balaghat Hills. Riding a buffalo on the way back home, I felt like the king of Sagroli. That lunch, wow! Amras with krudai, papadaya and kanda bhaji. Meera mami is a great cook, a master chef. Aji's shrikhandwadi is incomparable. How I enjoyed reading the bound volumes of Kishore, Champak and Kumar in Kakajubad library. I am looking forward to my visit to Sagroli next year. Give my regards to Aji, Ajoba, Raju Mama, Shaila Mami, Meera Mami, and love and best wishes to Tejas and Audut. Yours lovingly, Raman. Now let's come to the exercise. Find and write the non-English words in the letter. इस letter में से आपको non-English words, English words नहीं हैं, उनको तलाश करना है और लिखना है. Make a list of your favorite foods for dishes. Note how many words are in English. आपके फेवरेट फूड्स की एक लिस्ट बनाइए और इस लिस्ट में बताइए इसमें कितने वर्ड्स इंग्लिश वर्ड्स है। लिस्ट द इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट रमन डिड एट सगरोली। वो तमाम इंटरेस्टिंग थिंग्स की लिस्ट बनाइए जो रमन ने सगरोली में किया। आफ्टर दैट प्रैक्टिस। कंप्लीट द फॉलोइंग लेटर विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में दिए गए वर्ड्स की मदद से नीचे दिए गए लेटर को कंप्लीट कीजिए और तमाम एक्सरसाइज पूरी होने के बाद अपने टीचर को सेंड कीजिए।